नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं जो किस्सा आपको सुनाऊंगा, वह सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। कहते हैं भगवान कण कण में विद्यमान है, तो मैं आज एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगा, जहां हनुमान जी की मूर्ति लड्डू का प्रसाद खाती है। हाँ जी, सही सुना, लड्डू का प्रसाद खाती है। इसके अलावा वह मूर्ति सांस भी लेती है। तो दोस्तों, कौन सा है ये मंदिर और भारत की किस जगह पर स्थित है यह, और इस मंदिर से जुड़े बेहद रोमांचक किस्से आज मैं आपको सुनाऊंगा। पर आप अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम महावीर मंदिर है, जो इटावा से 12 किलोमीटर की दूरी पर पिलुआ में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में स्थापित है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति खुद प्रसाद खाती है। यह बात सुनने में आपको अजीब सी लगती होगी, पर मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति में प्रसाद डालने के बाद वह कहां गायब हो जाता है यह कोई नहीं जानता। और ऐसा हर रोज तकरीबन कई सौ सालों से घट रहा है। तो भला इतना प्रसाद मूर्ति से जाता किधर है, इसका जवाब तो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। पर कई देशी और विदेशी शोधकर्ताओं ने इसका कारण ढूंढने की कोशिश कई बार की है, पर वह हर बार ही विफल रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति जीवित अवस्था में है, तभी यहाँ ध्यान से सुनने पर मूर्ति से सांसों के चलने की आवाज़ आती है, और मूर्ति के मुख से राम नाम की ध्वनि भी सुनाई देती है। लोगों की माने तो यह हनुमान जी की मूर्ति को लड्डू और दूध पिलाने से वह प्रसन्न होते हैं। यह भी मान्यता है कि जो भी एक बार इस मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, और लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। कहा जाता है यह मंदिर द्वापर युग से है। कथा के अनुसार प्रताप नेर नगर के राजा हुकुमदेव सिंह को तुलसीदास जी ने इस मूर्ति के बारे में बताया था। यह मूर्ति राजा को एक पेड़ की जड़ के नीचे दबी हुई मिली थी। वह पेड़ पिलुआ का था, जो एक जंगली पेड़ होता है, इसीलिए इस मंदिर को पिलुआ महावीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजा इस मूर्ति को अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता था, पर उसी रात राजा को स्वप्न में हनुमान जी दिखे। उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो पहले मेरा पेट भरो। राजा ने अभिमान में आकर हनुमान जी को दूध पिलाने के लिए पूरे नगर का दूध मंगवा लिया, पर उससे भी हनुमान जी का मुख नहीं भरा। तब रानी ने क्षमा मांगते हुए एक छोटे से लोटे में दूध भर हनुमान जी को पिलाया, जिससे उनका पूरा मुख दूध से भर गया, और जिस जगह यह मूर्ति मिली थी उसी जगह इसे स्थापित कर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों, अगर आप में से भी किसी को इस मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।